अगर इधर असीम में इतना दम है, इतना हिम्मत है तो वो इस्तीफा दे और दूसरी पार्टी से या कहीं से भी आके लड़े और वो चुनाव जीत के दिखाए। ये भाई हमका देखकर उसको वोट दिए थे, मेरा चला गया, दूसरा तरफ हम लोग क्या करेंगे? जीता मानने चाहिए, पार्टी का लायक है वो, इंसान नहीं है। ये मेले का औकात नहीं था उसका, उसका बिल्कुल जीतने का कोई औकात ही नहीं है, एक मुखिया में नहीं जीत सकता इधर। तो ये नहीं है भाई हमका, तो पार्टी का टिकट मिला उसको, वो जीत गया, जीतने का लायक था वो, अब आरजेडी में जाके जीत के दिखाए वो। एमआईएम के चार विधायक आरजेडी में शामिल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, वहीं विधायक का पुतला जलाते हुए लोगों ने नारेबाजी की। आपको खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं सीमांचल के कोचाधामन विधानसभा से। अरे एजाज जो है ना मुखिया में मेरे साथ है, उसका औकात नजर चले आएगा, औकात में नजर आ जाएगा। गरीबी लग गया, लोग बुरा लग गया हम लोग का रिपब्लिक को। अगर इधर असीम में इतना दम है, इतना हिम्मत है तो वो इस्तीफा दे और दूसरी पार्टी से या कहीं से भी आके लड़े और वो चुनाव जीत के दिखाए। हम सब कहेंगे कि वो यकीन मर्द है, मर्द। एमआईएम के चारों विधायक आरजेडी में शामिल होने के बाद एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर इमान का बड़ा बयान। बल्कि सीमांचल की गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेशी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ मीर जाफरों के साथ साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए इनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो ए टू जेड कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, और जिन लोगों ने अकलियतों का, जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती भी ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए, सोच समझ के आजादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े पार्टी।